Hey, what's up, this is Dipesh, and आज की वीडियो में हम बात करने वाले ग्लोबल लोकल एंड नॉन लोकल वेरिएबल्स पाइथन में क्या होते हैं। इस वीडियो का पूरा आखिर तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन मतलब सारे कॉन्सेप्ट पाइथन के इंपॉर्टेंट ही हो जा रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि सभी वीडियो को मैं पूरा देखने बोलता, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आप हाई लेवल प्रोग्राम कैसे बनाओगे आगे जाके। तो एनीवे वीडियो को हम चालू करते हैं इंट्रो के बाद। सो गाइस, इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे इस बुक की प्राइस रखी गई काफी कम, जिसे मैंने खुद नहीं लिखा, इंटरनेट का ज्ञान समाया हुआ है इसमें। एंड मैं रिकमेंड करता हूँ एक नोटबुक की तरह आपके पास ये बुक होनी चाहिए, जिसकी प्राइस काफी कम है एंड जिससे आप खरीदोगे तो इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा, चैनल में भी पैसे सारे इन्वेस्ट होंगे। एनीवे हम वीडियो को चालू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, इस कोड को मैं आपको समझाने वाला हूँ एंड मीनवाइल हम इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। तो वेल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं इन पाइथन? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन और यूज इन ग्लोबल स्कोप इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल स्कोप क्या होते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। अब जो भी मतलब इसमें कह रहा था कि जो हम ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते हैं वो फंक्शन के बाहर या फिर फंक्शन के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू ग्लोबल, मतलब ग्लोबल मतलब ऐसे ग्लोबल लिखने का नहीं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने यहाँ पर ग्लोबल लिखा, तो ये मैंने यहाँ पर ग्लोबल लिख दिया। अब इस कोड को मैं चला देता हूँ, ठीक है। तो पाइथन का मतलब ये है कि आप जो भी वेरिएबल ऐसे बाहर लिखते हो, ठीक है, उस वेरिएबल को आप किसी फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, किसी फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हो। उस वेरिएबल की वैल्यू सेम टू सेम रहेगी अंदर और बाहर। तो जो भी वेरिएबल ऐसे बाहर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब एक होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल मतलब कोई सा आपने y इक्वल टू ऐसा बना दिया लोकल है, लोकल, ठीक है। ये जो वेरिएबल रहेगा, प्रिंट करता हूँ मैं इसको y और यहाँ पे मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक मुझे एरर आएगा। तो पहली बार इनसाइड जो फंक्शन के इनसाइड में है तो वो तो दोनों प्रिंट हो गए, ठीक है। लोकल वाला भी एक्सेसिबल रहेगा और ग्लोबल वाला भी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल रहेगा। बट फंक्शन के बाहर जैसे ही मैं आता हूँ, लोकल ग्लोबल वाला तो एक्सेसिबल है बट जो मैंने लोकल बनाया था यहाँ पे, लोकल वाला एक्सेसिबल नहीं है। मतलब जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर बनाते हो उसका स्कोप, उसकी बाउंड्री, उसका एरिया, उसका लिमिट, मतलब उसके बाहर उसको कोई जानता ही नहीं, तो उसका जो स्कोप है वो स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, उसको बाहर कोई जानता ही नहीं। इस वजह से मुझे एरर आ गया फंक्शन के बाहर। ये देख सकते हो लाइन नंबर 12 पे मुझे एरर आया इस लाइन पे, क्योंकि इसको बाहर कोई जानता ही नहीं। तो ये होते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। जो फंक्शन, जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर बनाते हो वो होते हैं लोकल, जो बाहर बनाते हो वो होते हैं ग्लोबल। इसमें थोड़ा कंसेप्ट और है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अभी फिर से एग्जांपल को हम देखते हैं। एक्स इक्वल टू मैंने 4 डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने यूज किया ग्लोबल एक्स, एक कीवर्ड है ग्लोबल। विद द हेल्प ऑफ योर ग्लोबल कीवर्ड आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हो, ठीक है। अभी क्या हुआ, जैसे वाई इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा लोकल, तो वाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, वाई लोकल इक्वल टू लोकल रहेगा। तो मैं वाई को पहली बार तो हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। अभी हम देखते हैं ये जो ग्लोबल है, मैंने एक्स बनाया है, ये इसमें एक्स जो भी है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 जो भी आएगा 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा। 8 मेरा यहाँ पे आ गया, अच्छी बात है, 8 मेरा बाहर भी चेंज हो गया इसकी हेल्प से। क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड में क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन के अंदर भी मैं ग्लोबल कीवर्ड बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्स मेरा यहाँ पे जो भी बनेगा, जो भी अपडेट होगा, जो भी चेंज होगा, बाहर भी इफेक्ट उसका पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। तो ये होता है ग्लोबल कीवर्ड का रोल। अगर मैं यहाँ पे एक्स को मैंने ऐसे एज अ पैरामीटर यहाँ पे ले लिया, उस कोड को मैं चलाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 4 मेरा बाहर था, और बाहर वाला x इक्वल टू 4 था, तो ये x इक्वल टू 4 यहाँ पे पास हुआ होगा, ये 4 यहाँ पे क्या, 4 4 इंटू 2 मेरा 8 हुआ होगा, 8 मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो पहली बार में मेरा प्रिंट हुआ होगा 8। बट जैसे मैं फंक्शन के बाहर आया हूँ फिर से मेरा क्या हो गया, 4 प्रिंट हो गया, क्योंकि फंक्शन के बाहर वाला x अभी भी 4 है, बट यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो है वो चेंज हो गया, वो मेरा 8 बन गया, x मेरा यहाँ पे क्या बन गया, 8 बन गया, ठीक है। बट मेरा जो बाहर वाला है, बाहर वाला अभी भी 4 है। तो मैं कभी कभी क्या रहता है कि जो बाहर की वैल्यू, मतलब जो ग्लोबल वाला है उसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ग्लोबल कीवर्ड का। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल लगा देता हूँ तो ग्लोबल लगाने से क्या होगा, दोनों के दोनों चेंज हो गए, बाहर का भी चेंज हो गया और अंदर का भी चेंज होगा। तो इसलिए ग्लोबल कीवर्ड काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब जो अंदर वाला वेरिएबल बना रहे हो उसको आपने बोल दिया ये ग्लोबल है, मतलब बाहर वाला ग्लोबल कुछ भी होगा तो ओवरराइट हो जाएगा, आज से अंदर वाला ही ग्लोबल कहलाएगा।
तो अंदर मैंने चेंज कर दिया तो बाहर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है ग्लोबल कीवर्ड और फिर नॉन लोकल वाला कंसेप्ट और लोकल वाला कंसेप्ट। अभी दुनिया में एक चीज़ होती है नॉन लोकल। नॉन लोकल क्या होता है? अब जो नॉन लोकल जो वेरिएबल्स होते हैं वो जनरली हम नेस्टेड फंक्शंस के अंदर बनाते हैं। नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं उसे भी हम इसी टॉपिक के दौरान देख लेंगे। अभी तक हमने नॉर्मल फंक्शंस देखे कि फंक्शंस क्या होता है, लेकिन फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन हम बना दें इस तरह से, एक आउटर फंक्शन है उसके अंदर हमने इनर फंक्शन बना दिया तो उसे हम कहेंगे नेस्टेड फंक्शन। तो इस कोड को इसको गो थ्रू करता है। सबसे पहले मेरा इंटरप्रेटर आएगा, ये देखेगा भाई ये तो डेफ इसके अंदर जाना ही नहीं। अभी इंटरप्रेटर आएगा लाइन नंबर 13 पे, उसने देखा आउटर, आउटर को कॉल हुआ तो इंटरप्रेटर यहाँ पे आया। इंटरप्रेटर ने आके यहाँ पे देखा कि अगली लाइन पे उसको x इक्वल टू लोकल डिफाइन किया गया है, तो इंटरप्रेटर ने देखा x इक्वल टू लोकल डिफाइन किया गया। अब इंटरप्रेटर अगेन आएगा डेफ इस लाइन पे जाएगा नहीं, इंटरप्रेटर देखेगा यहाँ पे, इंटरप्रेटर ने अगेन देखा कि अब उसको x इक्वल टू लोकल टू डिफाइन कर दिया, उसको इनर कॉल करना। इनर कॉल के यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ नॉन लोकल, नॉन लोकल यहाँ पे यूज हुआ। यहाँ पे x इक्वल टू नॉन लोकल प्रिंट होगा, ओके प्रिंट हो गया। उसके बाहर ये फंक्शन पूरा खत्म हो गया। उसके बाहर में फिर से बाहर आया इंटरप्रेटर, फिर से मैंने आउटर में भी उसको x को प्रिंट करना चाहा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, x मेरा यहाँ पे दो बार डिफाइन है, मेरा x एक बार यहाँ पे भी डिफाइन है, x मेरा यहाँ पे भी डिफाइन है, x मेरा यहाँ पे लोकल है, यहाँ पे मेरा नॉन लोकल है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखना चाहेंगे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये मैटर करता है। अभी हम इसको कोड को चलाते हुए देखते हैं। तो वेल यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि इनर फंक्शन जो कॉल किया यहाँ पे x को नॉन लोकल सेट किया तो नॉन लोकल प्रिंट हो गया। बट जैसे हम बाहर आए यहाँ पे फिर से मैंने x को प्रिंट किया तो फिर से नॉन लोकल प्रिंट हो गया। यहाँ पे लोकल प्रिंट नहीं हुआ, फिर नॉन लोकल प्रिंट हो गया। वही अगर मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया तो अभी देखते हैं अभी क्या हुआ, ये लोकल प्रिंट हुआ, ये लोकल प्रिंट हुआ और ये मेरा नॉन लोकल प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे एक तरह से क्या काम कर रहा है, ये जो बाहर वाला बाहर है मतलब इसको बनाया नॉन लोकल, ये मतलब नॉन लोकल है, ये जो इस फंक्शन के आउटर स्कोप में जो भी है आउटर स्कोप वाले फंक्शन उसको ओवरराइड कर देता है विद द हेल्प ऑफ नॉन लोकल कीवर्ड। आप जो फंक्शन एक इनर फंक्शन है उसका आउटर वाले को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे लोकल और नॉन लोकल का। ठीक है, अभी आप चाहो तो साथ ही साथ इसमें ग्लोबल कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे ग्लोबल बना के देखो, यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का भी आप यूज़ करके देखो। एक वेरिएबल यहाँ पे सेट करो, आप x इक्वल टू सपोज मैंने 1 मान लिया और प्रिंट करता हूँ यहाँ पे x को। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि x की वैल्यू कहाँ पे क्या क्या प्रिंट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्लोबल यूज़ कर लिया। ठीक है, अभी सबसे पहले फंक्शन चला होगा, ये सेट हो गया, फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ होगा, कॉल होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे x इक्वल टू ग्लोबल बना, x इक्वल टू ग्लोबल बना तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, इनर, इनर में इसने क्या प्रिंट किया, नॉन लोकल प्रिंट कर दिया क्योंकि ऊपर ओवरराइड हुआ, नॉन लोकल सेट हुआ। अभी जैसे ही मैं इसके बाहर आता हूँ तो अगेन ये लोकल था, इसको चेंज नहीं किया क्योंकि लोकल वेरिएबल, ये ग्लोबल नहीं है, इसको इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं डाला, ये अपना लोकल वेरिएबल, इसको चेंज नहीं किया। ग्लोबल कीवर्ड मेरा यूज़ करने से ये चेंज नहीं हुआ, ये मेरा कब चेंज हो रहा था, लाइन नंबर 3 वाला वेरिएबल मेरा कब चेंज हो रहा था, जब यहाँ पर नॉन लोकल यूज़ करूँ, जब मैं यहाँ पर नॉन लोकल यूज़ कर रहा था कुछ इस तरह से, तब मेरा ये वाला वेरिएबल चेंज हो रहा था। बट वहीं पे मैंने इसमें ग्लोबल यूज़ किया तो मेरा ये वाला वेरिएबल चेंज नहीं होगा, मेरा ये वाला वेरिएबल चेंज होगा। तो सबसे आउटर स्कोप में भी जो मेरा प्रिंट हुआ वो हुआ नॉन लोकल। तो इस तरह से आप ग्लोबल, लोकल और नॉन लोकल के कंसेप्ट को समझ सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।